हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय स्टडी चैनल्स रिंग सेक्रेटरी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5th की मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एडिशन एंड सबट्रैक्शन। तो चलिए, एडिशन सबट्रैक्शन सभी को आता है, किसी कक्षा में सभी किया है, बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो तरीके से समझ सकते हैं। किसी को एडिशन करना हो, जैसे 3, 8, 5, 6, 2, 1 इसको ऐड करना है। जस्ट सिंपली हम क्या करेंगे, 6 + 5 = 11। अगर हमारे दो डिजिट आती है टेंस में तो हमेशा हम क्या करेंगे, वंस को हमेशा उस वैल्यू के नीचे रखेंगे, डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे। इसके बाद जो अगर अगला वन बचता है उसको कैरी में ऐड कर देते हैं। 8 + 2 क्या अपना होता है 10, 6 + 1 = 12, कैरी फिर जाएगा 1, क्योंकि अगर 12 कटा तो फिर 2 यहाँ पर डाला, हमने क्या 1 को कैरी लिख दिया। इसके बाद 3 + 1 क्या है, 3 + 1 होता है 4, 4 फिर कैरी बचा करना आ जाएगा यहाँ पे 5। तो इस तरीके से हम सिंपली हम ऐड कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे लिखा, अच्छा एक चीज में ध्यान देने वाली सबसे बड़ी ये चीज है कि अगर हम ऐसे लिखते 3, 8, 5 और यहाँ पे हमारे अगर हमने इसको ऐसे लिखा 6, 2, 1 तो ये हमारी हो जाएगी पूरी पूरी वैल्यूज ड्रॉ हो जाएगी। इसको हम नहीं कंसिडर करें क्योंकि अगर हम ऐसे ऐड करेंगे तो कुछ और इसकी वैल्यूज निकल जाएगी। तो हमेशा हम क्या करेंगे, डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे। जैसे हम बात करेंगे डिजिट के नीचे डिजिट टू, डिजिट के नीचे डिजिट डिजिट कर सकते हैं इसको। तो ये हम कर सकते हैं कि डिजिट के चारों साइड लिखते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा एग्जांपल है 3, 8, 5, 2 और यहाँ पे हमने हमारे पास तीन तीन डिजिट जैसे 3, 2, 1 है। अब इसके बाद यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर हम इसको 0 पुट कर सकते हैं, या फिर कुछ है तो यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं। इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, 8 + 1 = 9, इसके बाद हो जाएगा 3। इस तरह से सिंपल। बट हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3, 8, 5 ऐसे लिखा है और इसके बाद हमें यहाँ पे कर दे 3, यहाँ कर दे 2, यहाँ 1। ये डिजिट इधर से नहीं, हमेशा राइट टू लेफ्ट चलते हैं। यानी हम कैसे लिख सकते हैं इसको, राइट टू लेफ्ट हमेशा चलते हैं। ये चीज याद रखिएगा, राइट टू लेफ्ट हमेशा राइट से लेकर के लेफ्ट की तरफ जाते हैं, डिजिट होने से डिजिट लिखते हैं और ये हो जाएगा हमारी वैल्यू से पूरी हो जाएगी रॉन्ग। तो हम ऐसा इसको नहीं लिख सकते। अब आगे ऐसी बात की जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल पड़ा है, तो हमेशा ये तीन चीजें हमेशा कंसीडर करने वाली बात होती है, ध्यान देने वाली बात होती है कि हम डिजिट नीचे डिजिट लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं। और कोई ऐसा नहीं कि बीच में डिजिट को यहाँ लिखते हैं वहां लिखते, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल में पड़ा हुआ है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डिजिट लिखते हैं तो वैल्यू है 4, 6, 6, 1, 8, 4, 7, 2, 8, 3, 6, 5, 9, 3। इसको हमको क्या करना है, प्लस करना है, सम करना है या एडिशन करना है। तो हम कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, अच्छा वंस केस कैसे काम करते हैं, इधर राइट साइड से काम करते हैं। राइट साइड जो पहला अक्षर है उसको बोलते हैं वंस, दूसरे को बोलते हैं टेंस, तीसरे को बोलते हैं 100, चौथे को बोलते हैं, फोर्थ को बोलते हैं 1000, 1000 को टी एस लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट को लिखते हैं 10000, पर टी डैश लेके टी एस 10000। इसके बाद आता है लैक्स, इसके बाद अगेन जो आता है 10 lakhs, तो 10 टी और उसके बाद एल 10 lakhs। सिर्फ इसको हम ऐड करते हैं कैसे करते हैं, 7 + 2 = 9। एक सिंगल डिजिट इसमें कुछ नहीं, कैरी रखेंगे ना तो सॉल्व करेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट हमारे पास वंस में आ रहा है। 4 + 8 = 12, जिसमें हम टू राइट में डिजिट को क्या करते हैं या वंस क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं। इसके बाद जो बचता हमारा है कैरी हो जाता है। ठीक, हमारे पास 1 क्या बचा, नहीं कैरी बचा। 8 + 3 = 11, 11 + 1 = 12, 2 फिर 12 बना, फिर 2 बना यहाँ लिखा, फिर 1 हमारा कैरी बचा, फिर 1 + 6 = 7, 7 + 0 कैरी हमारा 8 हो जाएगा, 6 + 5 फिर क्लियर होगा मतलब अच्छा 1 का मैं टोटल करके फिर 1 हमारा क्या होगा उसको हम कैरी मान लेंगे, फिर 6 + 9 = 15, 15 + 1 क्योंकि पहले से कैरी हमारा बच्चा हो रहा है, तो 15 + 1 = 16। अब हमारे पास ऐसे डिजिट आ गए 16, 66 को हमने यहाँ पुट किया, इसके बाद 1 हमारा फिर कैरी बच गया। अब अगेन ऐड करेंगे 4 + 3 = 7, 7 हमारा जो कैरी पहले से बचा हो जाएगा ये। इस तरीके से हम किसी भी चीज को किसी को भी ऐड कर सकते हैं, एडिशन हमारा जो है हो जाएगा। तो अभी आपको कुछ एग्जांपल्स है
जैसे कि इस तरीके से सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको ये बोलूं कि एडिशन में ये रूल्स अप्लाई हो सकता है किसी को भी, आप अगर हम बात करें एडिशन कुछ एक्स्ट्रा चीज होती है, जैसे कि हम कह रहे हैं इसको 7, 8 उसके बाद 2, 3 इसको प्लस करना है, तो जैसे सिंपली कहा 8 + 3 = 11, 1 एक हमने यहाँ भी लेवल कैरी हो जाएगा मैसेज, +2, 9 + 1, 10 और हमेशा डिजिट के से डिजिट लिखेंगे, यहाँ पर 10 आया अब देखो यहाँ पर हमारे पास 10 है तो 10 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 10 को हम क्या करेंगे हमेशा राइट हमारे पास 10 है तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, इसके बाद आगे का 1 ऐड करेंगे, तो इस तरीके से हमेशा डिजिट में चेंजेस। अच्छा एक चीज इसमें ये भी फॉलो होता है कि अगर हमने इसको ऐसा किया हम इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, 8 + 3 = 11, 11 + 1 = 1, 1 + 2 = 9, 10 + 1 = 10 इस तरीके से कर सकते, बट ये जो है रूल्स हमेशा एडिशन में फॉलो होगा, सबट्रैक्शन में कभी फॉलो नहीं होगा कि छोटे डिजिट से बड़े डिजिट को माइनस कर दें, ये पॉसिबल नहीं है, बट ये एडिशन में चल सकता है कि एडिशन में किसी को भी आप आगे आगे से किसी बस बात है, अगर हम 7 + 5 करते हैं तो भी हमारे पास 12 आएगा या 5 + 7 तो भी 12 आएगा, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं एडिशन कर सकते हैं। सबट्रैक्शन के चैप्टर में चलते हैं तो सबट्रैक्शन के बारे में बताएंगे, फिलहाल एडिशन कर सकते हैं। तो आपके पास कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूं जिसको आपको करके दिखाना है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स में पड़े हमारे पास है, एक्सरसाइज 2.1 आपको इसकी एक्सरसाइज 2.1 की सारी फोटोज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किया जाएगा, इजीली आप वहां सॉल्व करके आप अपना होमवर्क कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक तो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं बट एक आपको पूरा एक्सरसाइज जो है सॉल्व करके हमें दिखाना है। अब जैसे कि कुछ होते हैं कि जैसे हमारे कुछ ऐसे कॉलम, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें ऐड द फॉलोइंग, आपको इसको सिर्फ ऐड करना है ऐड द फॉलोइंग, हम इसमें से इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन नहीं नोट डाउन करेंगे, नहीं बोर्ड पे लिखेंगे, एक तो क्वेश्चन लिख देते हैं, बाकी आपको पूरा क्वेश्चन इसे करना है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे, एक तो क्वेश्चन लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन आपको करना है, इसकी आपकी फोटो कॉपी फोटो मिल जाएगी, आप वहां से नोट डाउन करके आप देख सकते हैं, सॉल्व करके दे सकते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन की बात करूं, पहला लिखा है कुछ ऐसे सब बॉक्सेस बने हैं, पहला क्वेश्चन है (5, 3, 2, 4, 6, 7) एंड सेकेंड है 6, 2, 4, 7, 8, 4 इसको हम क्या करना है ऐड करना है, और यहां पर हो जाएगा आपका 1s, यहां पर हो जाएगा 10s, यहां पर हो जाएगा 100 और यहां पर हो जाएगा